अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। मेरा व्लॉग एक ट्रैवल के तौर पर है। अभी मैंने अपनी बाइक को रेडी कर लिया है, तो अभी चलते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, वहाँ का मुख्तलिफ सीन भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। पहता है आगे बस्ती नसीर है, तो यहाँ पे जी ये देखें एक देसी जुगाड़ के ज़रिए पूरा सेटअप लगाया गया है। यहाँ पे रोज़ाना के बेसिस पे या वीकली के तौर पर यहाँ पे जितनी भी काश्तकारी की जाती है वहाँ पे फिर डेली वीकली के बेसिस पे जो है इंजन सिस्टम नहीं लगाया जाता है, बस जब ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को ये ट्रैक्टर के थ्रू, ये देखें पुली वगैरह सेटअप लगा हुआ है, इसके थ्रू पूरा यहाँ पर दरिया बह रहा है, तो दरिया के पानी की मदद से पानी को खींचा जा रहा है। पुली की मदद से ट्रैक्टर लगाया गया है, छोटा एक आवाज़ी ट्रैक्टर है, तो उसके ज़रिए पानी निकल रहा है। जाकर मैं आप लोगों को सीन दिखाता हूँ आगे। माशाल्लाह सूरज भी ग़ुरूब होने की हालत में जा रहा है। ये देखें जी निज़ाम है ट्रैक्टर का, ये दरिया का पानी खींच रहा है, वहाँ पे पूरा पंखा सेटअप लगा हुआ है, ट्रैक्टर एक अपनी नॉर्मल रूटीन में लगा हुआ है। वाह अमेजिंग, ये जा रहा है पानी। अदर सूरजमुखी काश्त की गई है उस साइड पे सारी, ये घास है इस साइड पे, मुझे लगता है तिल काश्त किए जा रहे हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत सीन है। पानी का बहाव तो आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ निकल रहा है। ये पूरा एक पंखा सेटअप लगा रहता है, अगर ये ट्रैक्टर नहीं होता तो ये पूरा इधर इंजन होता तो वो निज़ाम और होता है, ये निज़ाम और बना हुआ है, ये पूरी पुली वाला सेटअप। ये दरिया का पानी है इस वजह से ये पानी साफ नहीं है। पानी मैला मैला इस वजह से है, दरिया का पानी है सारा ना, इस वजह से क्योंकि बोर का पानी है ना, इस वजह से वो पानी उधर पैंप लगा हुआ है आ रहा है पखे में, पखा अपना रिवर्स कर रहा है इधर निकाल रहा है, उधर पूरा ट्रैक्टर सिस्टम लगा हुआ है। ये देखो अमेजिंग माहौल है। आगे चलते हैं जी, आप लोगों को सीन दिखाता हूँ मैं अच्छे अच्छे। ये मगरब वाली साइड है और ये रोड आ रहा है मशरक की तरफ जा रहा है, बस्ती शीपलैंड की तरफ। ये आप लोग जब ये बड़ा पूरा सा गढ़ा पूरा तालाब देख रहे हैं, ये किस वजह से बना था, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे, ऐसा दोबारा सैलाब ना है। 2010 का जब सैलाब आया था तो यहाँ पे पानी का बहाव इस साइड की जानब आया था, तो इस साइड पर दरियाए सिंध है,
तो यहाँ पे पूरा ये पूरा गैप बना हुआ है ना, इस वजह से यहाँ पे पानी का इतना बहाव था। आप लोग चेक करें, ये बहुत गहरा पानी है। तो यहाँ पे कितना बड़ा ये देखें गढ़ा बन चुका है। ये सदियों से 10 साल हो गए हैं, 11-12 साल हो गए हैं, अभी तक ये पानी भी सेव है यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन जारी है, रोड बन रहा है, तामीर हो रहा है। तो इतने मोटे मोटे सफेदों के दरख्त, वाओ अमेजिंग। अब जो है देहात, वो वाले देहात नहीं रहे माशाल्लाह। अब तो जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो अब तो नहीं रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में पीटीआई की हुकूमत होगी। पिछले 3 साल में पीटीआई की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, रोडों की नस्बत अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा रोड बने गए हैं। तो इस यहाँ पे ये देखें रोड बन रहा है, कई सालों से रोड नहीं बने थे, अभी ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन इसकी जारी है। इस साइड पे आप लोग सीन चेक रहे हैं, सूरज बस ग्रूब होने वाला है, मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा घर जाने में। तो यहाँ पर देखें किसान लोग अपनी भेड़ों बकरियों को चराने आए हुए हैं, यहाँ पर सारा सीन चेक करें। ये देखें अब तो देहातों में टावर भी लग चुके हैं, ये जैज कंपनी का मुझे लगता है टावर। तो अभी कोशिश करते हैं, जल्दी चलते हैं।